कंपमानं सुरनर किन्नर संकितं सर्वं सहाय दाने ज्ञाने च माने बलिबल श्रवणे श्रुत्वा दिग्पाल भूत्वा देव देवानातंक श्रुत्वा स्मर शरीरम धृतं वामनं स्मितवक्तं गत्वा हत्वा च दाने बलिबल विभवम् कुर्वन् स्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक। मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे ई जो ग्रह मानंको विषय रे पढुथिले सर्वोत्तम फल, ताहले देखिबा आमे रविंक ठारु आरंभ करी शुक्रंक पर्यंत आमे छटी ग्रहंकर फल आमे पढ़ी सारलेनी। आज से ही क्रमरे आमे पढ़ीबा पार्ट नंबर 262 आउ शीर्षकटीर ना हौछि ग्रहंकर केउं भावर सर्वोत्तम फल शनि। ताले आपण माने जानिछंती शनि हौछंती ग्रह चक्र भितरे न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ताले बंधुग देखंतु, ताले जने न्यायाधीशंकर फळटी केउ भळि भावरे हबा उचित, आउ से केउ केउ घरे रहिले शुभ फळ प्रदान करत। शनि जे खालि अशुभ कारक नाही, आमे भाविबाटा भूल। शनि जो फळटी दियंती सामान्य डेरी रे दियंती सत, किंतु सेटा एवरलास्टिंग फलटी हेथाय आ व्यक्ति विशेष को बहुत सुख प्रदान करंती। ताले शनि ग्रह देखंतु, शनि को ना सुनिले साधारणत लोक माने टिके भयभीत हे पडंती, कैना शनि होचंती क्षतिकारक ग्रह बोली से माने जानिछंती। किंतु बंधुगण, शनि जे खाली क्षतिकारक ग्रह से कथा नुह, से बहुत उपकारी ग्रह मध्य। शनि व्यक्ति विशेष को बहुत उच्च स्तर को नै जानती। ताले आपण माने जानिछंती शनिंकर तीनोटी दृष्टि अछि, गोटे हला तृतीय दृष्टि, आ गोटे हला सप्तम, आ गोटे हला दशम। ए तीनोटी दृष्टि रे शनि देखंती। जो घरटी रे थांती शनि, मनकर शनि ए जगाटी रे अछंती, एक दुई तीन ए घर को देखिले, सप्तम घर ए घर को देखिले, दशम घर ए घर को देखिले। ताले शनि आपण माने जानिछंती जे शनिंकर दुईटी घर, गोटे हला मकर घर आ गोटे हला कुंभ घर। तांकर दुईटी घर आउ गोटे उच्च राशिर घर अछि, से घरटी हौछि तुला घर। एई राशिर शनि उच्च हेइ जानती। ताले बंधुगण देखिबा, ताले शनि केउ केउ स्थानरे रहिले से भल फलटी प्रदान करती। बंधुगण देखंतु, प्रथमे पढ़ीबा तृतीय घर। ताले शनि तृतीय घरे रहिबार अर्थ होची, तृतीय घरटी कौन, आमर परिश्रमर घर, आमर मेहनतर घर। आपण केते परिश्रमी से तृतीय घर ही जानी हबो, आपण केते दूर परिश्रमी लोकटिए। आपण परिश्रमी कि अलसुआ कि कौन, से ही जानी हुए तृतीय घर टी। तेणु शनि जो मान तृतीय घरे था, से कौन करती ना, शनि हेले न्यायाधीश। न्यायाधीश जो घर टी अच्छा, से घर टीर दायित्व से बुझुचंती। से व्यक्ति विशेष को आ कौन अलसुआ करदेवे ना, अलसुआ करदेवे ना, से बहुत खटेबे शनि, परिश्रम करदेवे बहुत। बंधुगण देखंतु, तार पछरे गोटे छोटिया जिनिष लुचि रहिछि। परिश्रम करिवार अर्थ हौछि आपण ता माने निश्चित भाव सफल हेबे। जे परिश्रमी लोक से केबे विफलतार मुह देखे ना, परिश्रमी लोक निश्चित भाव सफलतार मुहटिए देखे। तेणु से तृतीय घरे रहिवार अर्थ हौछि
ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେକର ଶନି ରହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏଇ ଏଗାରକୁ ଦେଖିଲେ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଏଇ ଏଗାରଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଘରଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏତିକି ଘରକୁ ଶନି ଦେଖିଲେ ତୃତୀୟରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଘର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଶନି ଯଦି ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଲେଖିଦେଉଛି ସ୍ୱ, ତାପରେ ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରୀ ବା ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ମକର କୁମ୍ଭ, ଉଚ୍ଚ ମାନେ ତୁଳା ଘର, ଆଉ ମିତ୍ର ରାଶିର ଘର ହେଉଛି ବୃଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳା, ତୁଳା ତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଗଲା, ଆଉ ମକର କୁମ୍ଭ, ଏତିକି ରାଶିରେ ଆଉ କନ୍ୟା, ଏତିକି ରାଶିରେ ଶନି ରହିଲେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମିତ୍ର ରାଶି ହେଇଥିବ, ଉଚ୍ଚ ରାଶି ହେଇଥିବ, ଆଉ ସ୍ୱ ରାଶି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଶନି କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ହେଇଥିବେ, କାରକ ଗ୍ରହ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଯେତିକି ଘରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି, ସେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଲଗ୍ନଟି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଛଅଟି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ, ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ସେ ଏକରେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇଟଲି ନେବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶନି, ଶନି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ ଅଧିକା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଫଳଟି ପାଇବେ ସେଇଟା ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଫଳ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟିକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର, ଆପଣ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟି କରିବେ, ଆପଣ ହିସାବ କିତାବ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏମିତି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ମୋକ୍ଷର କାରକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଲେ ଶନି ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଘର, କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ଏଇଟା, ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଘର ଏଇଟା। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ, ଆଉ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମ ଘରଟିକୁ, ସରି ତୃତୀୟ ଘରଟିକୁ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ଶନି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ରାଜଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପର୍ବତକୁ ଟେକା ମାରିଲା ଭଳିଆ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପର୍ବତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି, ପର୍ବତକୁ ଟେକା ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରେଇବେ? ଏକରେ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଗ ଋଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ, ଶନି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏଇଭଳି ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ। ଯଦି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଷଷ୍ଠ ଘର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଷ୍ଟମ ଘର, ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ଶନି ଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ରାଜଯୋଗ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଘର ମନେକର ଏଇ ଘରଟି, ଏଠି ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଯୋଗ, କାରଣ
शनि गोटे राशि अढ़े वर्ष रहती तेणु से जो जगाटी रहती से जगाटी को दीर्घ कर दिखती तेणु अष्टम घर टी आयु घर होता हेतु से आपण दीर्घायु राजयोग गोटे सृष्टि कले अष्टम घर आउ कौन करती आपण को गुप्त ज्ञान अधिकारी करेबे आ से व्यक्ति टी पर पोषक होता कहीं अष्टम घर रही शनि सीधा द्वितीय घर टी देखती द्वितीय घर देखुवा हेतु पर से हेड होता से बयस सान पारती सत तापर बड़ भाई मैंने भी थी पारती सत कि सी सब जिन बुझासुझा करती सब कथा निर्देश हिं चले तेणु सी शनि जो मान अष्टम स्थान था से व्यक्ति मान कौन होता टे स्वाभिमानी होता आई तृतीय षष्ठ कथी कहीदेली बंधुगण देखु से व्यक्ति मैंने बहुत परिश्रमी होता आ बहुत से मैंने विश्वासी होता से मैंने जो जगार कार्यटी करती सी के खराब कार्य करती ना सब आईन कानून को मानिक चलवा लोक मैंने अच्छा बंधुगण तापर देखु मुझे लिखी सप्तम भाव कहीं ना काल पुरुष कुंडली रे सप्तम भाव आसे तुला राशि रे शनि उच्च हूं तेणु से सप्तम भाव जदि शनि रहती सीए नवम घर टी देखती आ लग्न को देखती आ चतुर्थ घर टी देखती तेणु देखुवा हेतु से व्यक्ति मैंने कौन होते आ शनि सप्तम रही दिग्बली हो जाती मन रखु बंधुगण से दिग्बली हो जाती शनि सप्तम रही दिग्बली हो जाती दिग्बली ग्रह श्रेष्ठ फल टे दिखती शनि कौन करती जदि केन्द्र त्रिकोण होता है जमी सप्तम दशम यही घर मान जदिताएटी कौन होता है ना शनि शस नामक पंच महापुरुष राजयोग टे गठन करती जोटा को आपण मानक पढ़े शस पंच महापुरुष राजयोग से राजयोग टी श्रेष्ठ राजयोग से व्यक्ति मैंने साधारणतः टी स्वाभिमानी होता निजर कर्म निजे भल पाती सी अं क्या निर्भर करने को आद पसंद करती ना जे अन्य लोक मोर गोटे कम करदेव ना से मोटे पसंद करती से कथा से सब बेले चाहती निज कम से निजे बंधुगण देखु दशम भाव अर्थ ये जगाटी कालपुरुष कुंडली ए जगाटी दशम घरे रहिले से बार नंबर घर टी देखिले चार नंबर घर टी देखिले सात नंबर घर टी देखिले लग्न को जिते दशम घरे रहिबार अर्थ से बार नंबर घर टी देखुचंती चतुर्थ घर टी देखुचंती सप्तम घर टी बंधुगण मुझे लिखी देची कौ कौ तृतीय रहिले कौ टी दृष्टि पड़े षष्ठ रहिले कौ टी दृष्टि पड़े लिखी देची देखंतु बंधुगण ताले जदि दशम रहंती दशमर अर्थ सेटा होची तांकर कर्म कर्मर घर टी आपण माने जो वृत्ति टी करुछंती से दशम जो मानकर शनि थांती से माने मुख्यतः बहुत बड़ बड़ व्यक्ति से माने हेथांती बहुत बड़ बड़ कार्य से माने करंती जेंति क्लास वन कंट्राक्टर राजनेता यही भली सब बड़ बड़ काम गुड़िक से माने करिबा को बहुत भल पाती बिजनेस मैन जदि से हवा को चाहती ताले से बहुत बड़ बिजनेस मैन हो पारती किंतु से माने निजर परिश्रम न्याय हिसाब रे से माने बहुत उच्च को जीवा को चाहती परिश्रम करने चाहती से गुण टी शनि प्रदान कर मुख्यतः जदि शनि देखते बंधुगण दशम रहिबार अर्थ तृतीय दृष्टि रे से द्वादश घर टी देखती तेणु से प्रकार व्यक्ति विशेष मैंने से कौन करती ना निजर जन्मस्थान ठारु दूर को जाकरी से मानकर जदि प्रोफेशन करिवे ताहले से निश्चित भाव सफलता बहुत से पाइबे दूर रे जाकरी बिजनेस करि पारंती चाकरी करि पारंती जेकोनसी काम से करि पारंती से बहुत सफलता के पांती बंधुगण तापर देखंतु किंतु सबुथेरे मन रखिथिबे शनि जदि स्व क्षेत्र हेतिव मित्र क्षेत्र हेतिव उच्च क्षेत्र हेतिव ताले से जगह आ कारक ग्रह हेतिबे से निश्चित भाव से सर्वोत्तम फल टे देई पारिबे शनि सर्वोत्तम फल दशम आ तृतीय रे दियंती बंधुगण मन रखंतु दशम घर टी आ तृतीय घर टी एला शनि श्रेष्ठ फल तापर देखंतु बंधुगण जदि शनि रवि मिसिकी जातक कौन सी जगार था
ताको कहुए संघर्ष जग पितृदोष कहुए संघर्ष जग कहुए संघर्ष जगर अर्थ हूँ से व्यक्ति विशेष कौन सी कार्यटी सहजरे हुए ना से जोटा को भावुबे सहजरे से मोटे सहजरे हम ना कम्प्लिकेसी आस आ शनिचंद्र रहिले विषजग विषजग हेले क्यारियर प्रति ठार आरंभ कर सब जिनस प्रति से गोटे अशुभ जग कि बंधुगण केतोटी प्रोफेसन अच्छी विषजग सृष्टि प्रोफेसन में बहुत आग को जाती उदाहरण गोटे जुडिशियल लाइन आ गोटे हूँ मेडिकल लाइन जहाँ जिते अशुभ जग अच्छी से बड़ डाक्तर हो पारती आ शनिचंद्र जग थे सी भल डाक्तर हो पारती शनि मंगल जग अस्थिभंग राज जग दुर्घटनार जग आउ उद्योगपति राजजग जो मान शनि मंगल मिसिकी गोटे जगार था माने का अंडर रे काम करने पसंद करती ना स्वाधीन वृत्ति करने चाहती मालिक हेपी चाहती नौकर हवाक चाहती ना शनि बुध जदि मिसिकी रही जातक मंद जग कहुए आपण बुद्धि से हम ना जो काम करने जीक बुद्धि दरकार आपठ पहुंची पारे ना आ जदि पहुंचे कले बल कौशले से अन्या बाट पचे हाउ आप से बाटर चली मंद बुद्धि बोली कहुए आउ शनि सांगे जदि राहु बा केतु मिसिकी था जातक श्रापित जग कहुए तेणु श्रापित जगर अर्थ हूँ विष जग जमी श्रापित जग मैं तेणु यही प्रकार जोग मान जदि आपणकर अच्छी आदि दीज भितर डिग्री डिफरेन्सटा दस डिग्री रु कम होता है ताहले ये जोगटी प्रबल हो जाए तेणु दुई जनकर आपण प्रतिकार करिवे कारक ग्रह पई आपण रत्न धारण करि परिवे अकारक ग्रह पई आपण दान करि परिवे बीजमंत्र पाठ करि परिवे तेणु एई कले आपण शुभ फल निश्चित भावरे पाइबे तेणु बंधुगण एती कथा खाली मन रखिथिबे जे जेकोणसी ग्रह कथा मु कहुछि से ग्रह अस्त हो नथिबे मन रखंतु अस्त हो जाइ नथिबे कि नीच राशि रे मध्य नथिबे एतिकी हेले जाइकि भल फल टे मिलिबो आउ से भल जागार अष्ट दशम जागार थिबे किन्तु नीच रे थिबे नीच रे रहिले सेतिकी फल से प्रदान करि परिबे नाही त बंधुगण मु बाबूची आपण माने आकु बुझी सारलेनी जदि आपण माने बुझिथिबे आपण मानकु भल लागिथाय लाइक करिबे शेयर करिबे सब्सक्राइब करिबे हो रही बंधुगण जय जगन्नाथ।